आपके तसरात कैसे थे सर? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बलूचिस्तान से निकल के इतने बड़े लेवल पे जाके एज अ टीम कैप्टन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और जो है फर्स्ट राउंड में ही फिनिश करना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है अल्लाह पाक की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आप एक बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आए पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे देखा बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट का ही बदकिस्मती है कि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर हमारी हीरोज़ को सपोर्ट किया जाए वो एक रोल मॉडल बन सकते, हमारे जो यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन सकते, और हमारे यंगस्टर जो है जो गलत चीज़ों में पड़ी हुई है अगर वो हमारे यूथ को रोल मॉडल को देखेंगे, उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, उनको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो भी जो है मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में आएंगे, गलत चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ये हमारी गवर्नमेंट की बदकिस्मती है। अगर आप बाकी गवर्नमेंट देखें, सलमान खान अगर आप उठाएं, हालांकि वो इंडियन प्लेयर है, इंडियन को सपोर्ट करने आया था, लेकिन उसने मेरी जो है फाइट, सारे मेरी फाइट्स भी देखी थी और मुझे उसने सपोर्ट भी किया, और उसके बाद मुझे बाद में भी उसने बुलाया, अपने साथ बिठाया, मतलब अच्छा खासा मुझे गपशप भी मेरे साथ किया, और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर यही हमारे पाकिस्तान का बदकिस्मती है, इसी वजह से हमारे एथलीट जो है इतने पीछे हैं, आगे नहीं जा सकते। आपकी फाइट हुई इंडिया के खिलाफ और वो लड़का बहुत ही अच्छा था, इंडियन जो मीडिया थी वो सब उसको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और उसको ट्रेनिंग कैंप करवाई थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने आगे उठा के चाहिए, इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल आ रही है। मैं अभी जो है लाइट वेट रैंकिंग में वर्ल्ड में सेकेंड नंबर थी, तो अभी इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है वर्ल्ड चैंपियन बनना, और वो इंशाल्लाह अभी अभी कुछ महीने के बाद जो है अबू धाबी में हो रही है, उसमें इंशाल्लाह मैं जो है पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल लेके आऊँगा। जी इंडियन का जो प्लेयर था वो रोड टू यूएफसी में भी खेल चुका है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी लीग है वन चैंपियनशिप जो कि यूएफसी के बाद है, बेलाटोर एमएमए उसमें भी वो खेल चुका है, मतलब इंडिया का जो है सुपर स्टार था वो उस टाइम, और इंडिया का जो है मतलब वो उसका रिकॉर्ड भी जो है डबल है 11-2 और मेरा 6-0 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पॉइंट मेरी टफ थी, और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था रमज़ान में, अमेरिका में था मैं, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की अपना रमज़ान में रोजे की हालत में मैंने ट्रेनिंग की, तो मुझे उम्मीद था अपने कोचेज पे, अपने आप लोगों अपने जो हमारे मेरे चाहने वाले उन सब पे मुझे यकीन था कि वो इंशाल्लाह मैं जो है इसको जो है जल्दी आराम से ही फिनिश कर दूंगा। तो मेरी फाइट हुई इंडिया के खिलाफ और वो लड़का बहुत ही अच्छा था, इंडियन जो मीडिया थी वो सब उसको मतलब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और उसको ट्रेनिंग कैंप करवाई थी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की थी, अल्लाह पाक ने इतना सुना। नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने जो है अगर मैं इधर से निकल सकता हूँ बलूचिस्तान से, तो आप लोग भी निकल सकते हैं। अपना जो है जो हार्ड वर्क है वो करते जाए और अपने ऊपर बिलीव करें, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनको मैं ये कहना चाहूँगा, अपने जो गोल्स है उनके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट करें और उनको अचीव करें, इंशाल्लाह आप अगर मेहनत करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।